बरेली में समाजवादी अंबेडकर वाहिनी के तत्वावधान में समाजवादी सदस्यता अभियान के कार्यक्रम IMA ऑल बरेली में संपन्न हुआ, जिसकी अध्यक्षता निवर्तमान जिला अध्यक्ष शिवचरण कश्यप ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाजवादी अंबेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिठाईलाल भारती ने की। मिठाईलाल भारती ने अपने संबोधन में कहा कि वर्तमान समय में दलितों की दुर्दशा के जिम्मेदार बहन कुमारी मायावती हैं। उन्होंने कहा कि मायावती संविधान विरोधियों को अपना दुश्मन न मानकर संविधान के रक्षकों समाजवादियों को अपना दुश्मन मानते हैं। वह हर एक काम भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए कार्य कर रही हैं। उन्होंने आह्वान किया कि दलितों शोषित वंचित को यह पहचानना होगा कि उनका हितेशी कौन है। उन्होंने कहा कि जब तक बाबा साहेब द्वारा लिखित संविधान है तब तक शोषित समाज जिंदा है। बहन मायावती ने बाबा साहब बुलडोजर काशी राम के मिशन को समाप्त करने का बीड़ा उठा रखा है। उन्होंने सचेत करते हुए कहा कि 2024 का चुनाव दलितों के लिए अग्नि परीक्षा के समान होगा। अध्यक्षता करते हुए शिवचरण कश्यप ने कहा कि संविधान की वजह से ही दलितों पिछड़ों को अपना जीवन स्तर सुधारने का अधिकार मिला है। हमें संविधान बचाने के लिए संघर्ष करना होगा। आज बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी के बैनर तले सदस्यता अभियान का कार्यक्रम है, जिसमें हमारे तमाम दलित समाज से जिम्मेदार साथी आए हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि बरेली सिटी से भारी संख्या में समाजवादी पार्टी के लोग सदस्य बनेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी का सदस्यता अभियान क्यों सदस्यता अभियान नहीं है, ये सामाजिक न्याय का आंदोलन भी है। और जिस तरह से 2022 के चुनाव में धोखा हुआ है, लोगों को लगा है कि धोखा दोबारा न हो, तो 2024 की तैयारी हो रही है। इस सदस्यता अभियान के माध्यम से समाज के हर वर्ग को जोड़ा जा रहा है, चाहे वो दलित समाज हो, पिछड़ा वर्ग हो, माइनॉरिटी हो, अपर कास्ट के लोग हो। ये अभियान है सामाजिक न्याय, सामाजिक आंदोलनों को आगे बढ़ाने के लिए। माननीय अखिलेश यादव जी की मंशा है कि 2024 में पूरे प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ हम अच्छी सीटों पर हम आएँ, और एक बहुत ताकत में विपक्ष आ रहा है। और जिस तरह से जो मुहिम छेड़ा है माननीय अखिलेश यादव जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, माननीय नीतीश कुमार जी एंड कंपनी, जो विपक्षियों का जो लामबंद हो रहा है इस समय, इसे बीजेपी परेशान है, उनको परेशानी बड़ी है, इनको दबाने के लिए ED CPI का प्रयोग करेंगे। इसलिए विपक्ष तगड़े रूप में है, मजबूती के साथ है, और 24 में आपको दिखाई देगा। राजभर जी तो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी के नौ रत्न है, नौ रत्न इसी से बाहर ही निकलते, तो कैसे 24? मैं राजभर जी को जानता ही नहीं। अच्छा, आपकी पार्टी के विधायक आज यहाँ नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्या कारण है? ये अम्बेडकर वाहिनी की पदाधिकारियों का बैठक है, सदस्यता अभियान का है, तो हम अपने अम्बेडकर वाहिनी को बुलाया है। और इस अवसर पर हमारे सामान्य जिलाध्यक्ष आदरणीय कश्यप जी बैठे हैं, महानगराध्यक्ष समीम भाई बैठे हैं, क्योंकि संगठन के लोग हैं। मैंने विधायकों को नहीं बुलाया, क्योंकि विधायकों को अलग से जिम्मेदारी उनको मिल चुकी है। ये संगठन की हमारे अम्बेडकर वाहिनी की बैठक है। मेरी मंशा है कि सदस्यता अभियान में दलित समाज के भारी संख्या में लोग सदस्य बने समाजवादी पार्टी का। सर, एक सवाल ये है कि पूरी जो इस टाइम संगठन है वो भंग चल रहा है, अभी किसी को भी कोई पद नहीं मिला, और एक लंबा अरसा हो चुका है, 1.5-2 महीने से बिना पद के निवर्तमान के तौर पे तमाम काम कर रहे हैं, जो जिला अध्यक्ष जी हुए या और, ये कब तक उम्मीद है? अक्टूबर महीने में समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय सम्मेलन होगा, राष्ट्रीय सम्मेलन के बाद जिला संगठन और फ्रंटल तमाम संगठन बन जाएंगे। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।